ऑलमोस्ट सारी बसेस कवर कर ली हैं। 12 बसेस जो यहाँ पे अवेलेबल है जिंक बस की आर के आश्रम से बोर्डिंग पॉइंट से। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आया हूँ दिल्ली के आर के आश्रम एरिया में और यहाँ से मैं आपको कवर करने वाला हूँ दिल्ली टू मनाली की बस सर्विस। दिल्ली टू मनाली की बस सर्विस जो है जिंक बस, बाय जिंक बस ओनली मैं यहाँ पे जिंक बस कवर करने वाला हूँ। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली टू मनाली जाने के लिए, समर वेकेशन मना ले या फिर आप फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैं जिंक बस की सर्विस दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे कितनी बस सर्विस, यहाँ से बसेस कितनी अवेलेबल है दिल्ली टू मनाली के लिए और क्या क्या टाइमिंग्स होने वाली है, क्या कुछ कॉस्ट होने वाला है ऑनलाइन ऑफलाइन और कितना कितना टाइम लगने वाला है दिल्ली टू मनाली का और क्या क्या हॉल्ट होते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत यूनिक कॉन्टेंट है, बहुत अलग कॉन्टेंट है, शायद ही किसी ने कवर करा होगा जिंक बस। यस फ्रेंड मैं जिंक बस की सारी बसेस कवर करूंगा दिल्ली टू मनाली की, यहाँ से जो जाती है दिल्ली। अभी मैं जिंक बस के ऑफिस आ चुका हूँ आर के आश्रम में और यहाँ से जो है दिल्ली टू मनाली की फर्स्ट सर्विस जो है बस की वो है 4 o'clock, तो 4 बजे यहाँ से जाने वाली है और मैं कवर करने वाला हूँ 4 बजे की जो बस है। आर के आश्रम जिंक बस के ऑफिस आते हैं तो मैं आपको लैंडमार्क दिखाता हूँ। मेरे पीछे पे पचुईया रोड का बस स्टैंड है, ये पीछे बस स्टैंड है और यहाँ पे जो पिलर है पिलर नंबर 26 है, पिलर नंबर 25 और आगे 27 और यहाँ से आपको पीछे देखेंगे जिंक बस का ऑफिस है। ये लैंडमार्क है फ्रेंड्स, मेट्रो स्टेशन उस साइड पे आर के आश्रम का, वहाँ से आपको वॉकिंग करना है, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है और ये स्टैंड है, आपको मैं लैंडमार्क दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स जिंक बस का ऑफिस। आइए ट्रैवलर हैं उनसे मिलवाते हैं, वो दिल्ली टू मनाली ट्रिप कर रहे हैं। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद फाइज। मोहम्मद फाइज, फाइज ओके। आप कहाँ से? मैं केरला से। केरला ओके, केरला में किस जगह से? केरला कालीकट। कालीकट ओके, तो आप अभी मनाली जा रहे हैं? मनाली जाने। मनाली ओके, तो जिंक बस से आपने टिकट बुक कराया? कितना आपको कॉस्ट पड़ा टिकट का? 1000 रुपए। ओके फाइन, मैंने ऑनलाइन में देखा। अच्छा आपने ऑनलाइन देखा था? रिव्यू देखा था, रिव्यू सब अच्छा रिव्यू था, मैं सोचा कैसा यकीन बुक किया इधर आकर तो मैं एकदम। अच्छा इसका रेटिंग वगैरह? रेटिंग सब कुछ अच्छा है। ओके तो मैं भी बुक किया। ओके इधर आकर लॉन्चिंग आया, अभी बुकिंग का वेटिंग है। 5 बजे मेरा बस, 5 बजे बस है आपका? ओके उधर आने को मेरे को परफेक्ट ब्रश करने को सबका जगह है, लॉन्चिंग भी अच्छा। ओके आपका लॉन्च काफी अच्छा लगा यहाँ पे सिंगल का? ओके ओके सर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट जर्नी। फ्रेंड्स अगर आप आते हैं तो यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है, 2 वॉशरूम आपको मिलेंगे यहाँ पे लाउंज में अगर आप आएंगे। फ्रेंड्स जिंक बस की जो बस सर्विस है यहाँ पे दिल्ली टू मनाली की, यहाँ से पर डे इनकी 11 से 12 बसेज यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी आपको। सारी बसेज के अलग अलग टाइमिंग्स हैं, आपको जो सुटेबल टाइमिंग लगती है दिल्ली टू मनाली जाने के लिए दिल्ली से, वो आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे टाइमिंग जो बस की वो स्टार्ट हो जाती है 4 o'clock, 4 बजे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और लास्ट बस मैंने अभी पूछा भैया से तो उन्होंने बताया कि लास्ट बस 10:30 बजे की है, तो आपको जो भी टाइमिंग मिलता है वो आप सुटेबल जो लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है। इसमें मैंने अभी भैया से पूछा, ऑफलाइन आपको थोड़ा सा कम पड़ने वाला है, आप कॉल करके बुकिंग कराते तो उसमें थोड़ा कॉस्ट आपको कम पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन कराते हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि टैक्स का कुछ चक्कर होता है, तो आप देख सकते हैं आपको ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन करना है। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम आरती है। आरती ओके, तो अभी आप दिल्ली टू मनाली जर्नी कर रहे हैं? यस। ओके तो आपने अभी जो जिंक बस से ऑनलाइन बुक किया है ऑफलाइन? नहीं मैंने ऑनलाइन बुक किया था, मैंने तो रिव्यूज देखे थे लाइक हाउ टू गो फ्रॉम दिल्ली टू मनाली, तो मुझे जिंक बस के रिव्यूज काफी अच्छे लगे। ओके तो मैंने रेड बस के थ्रू बुक किया एंड देन मैंने यहाँ पे मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था यू हैव वेटिंग लॉन्च एट ऑल, बट यहाँ पे आके देखा तो उसका लॉन्च भी अच्छा है, दे हैव आई मीन सेफ्टी लगेज रूम फैसिलिटी ऑल्सो, कि अगर हम लगेज रखें कहीं जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। अच्छा ओके, तो यहाँ पे आप वेटिंग मीन्स कि आपको यहाँ पे लगेज सबमिट करके भी आप बाहर जा सकते हैं? हाँ, ये फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे अवेलेबल। ऑनलाइन मैंने देखा कि बस भी काफी अच्छी है, सेफ है एंड सेकंड थिंग यहाँ का लाउंज अच्छा है, यू कैन वेट हियर आप, और आपको कॉल करते जब भी आपकी बस आएगी okay. तो आपको 10 मिनट पहले कॉल आता है कि आप आ जाइए आपकी बस आ चुकी है। ओके सो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है ओके, थैंक यू मैम, ओके हैव अ ग्रेट जर्नी। फ्रेंड्स अभी पहली बस आ चुकी है दिल्ली टू मनाली जाने के लिए जिसकी टाइमिंग है 4 बजे, आइए मैं उसको एक्सप्लोर कराता हूँ आपको दिल्ली टू मनाली की। जो कराता हूँ एक बारी दिल्ली टू मनाली की जिंक बस नॉर्दर्न, अंदर चलेंगे। फ्रेंड्स बात करें इसकी सीट की, तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, ये पीछे यहाँ पे मूव हो जाती है, पीछे बैक साइड पे सीट इसकी, और यहाँ पे आपको थाई रेस्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, और ये कुछ सामान रखने के लिए वाटर बॉटल की स्पेस के लिए पूरा गार्ड दे रखा है यहाँ पे,
और ये यहाँ पे स्पेस है और चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चार्जिंग पॉइंट है इस साइड पे, और ये पुश कर सकते हैं आप सीट को, ये लीवर है, इस लीवर से आप पुश कर सकते हैं पूरी सीट को बैक करके, थाई के साथ आपको पूरा कंफर्टेबल फील होगा। और यहाँ से आप इस टाइप से आपको ये हैंड रेस्ट है, और यहाँ पे भी यूसीबी का आप देखो पोर्टल देख सकते हैं, पोर्ट लगा हुआ है। और आइए मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, मिरर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कर्टन्स लगे हुए हैं, एमरजेंसी एक्सिट भी है, और ऊपर छोटा सा छोटा मोटा सामान रखने के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। और सी नीट एंड क्लीन, अगर आप बैक साइड पे देखना चाहते हैं देखो पूरी पुश की हुई है किसी ने सीट, यहाँ पे आप आराम से सब में आपको पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, और आपको पावर पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। हेलो, कैसे सर आप? बढ़िया सर। नाम क्या आपका? रमेश ठाकुर। रमेश ठाकुर, इसका टाइमिंग 4 बजे का बताया है। हाँ जी सर। और ये मनाली कितने बजे पहुँचाती है? मनाली सुबह 5:55 पे। 5:55 पे मनाली पहुँचा देती है, ओके। अच्छा, यहाँ पे कितना हॉल्ट होता है, मतलब कितना यहाँ पे हॉल्ट होते हैं यहाँ से दिल्ली टू मनाली के बीच में? दिल्ली टू मनाली सर 2 जगह हॉल्ट रहता है। 8:30 8:30 यहाँ से 4 बजे निकलेगी, 8:30 पहला हॉल्ट है। कहाँ पे होता है हॉल्ट? ये हॉल्ट होता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में, ओके। और सेकंड जो आपने बताया, सेकंड मंडी में रहता है। मंडी में कितने बजे? सुबह रहता है 3 बजे के आस, 3 बजे के आसपास। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। अगर आप ऑल ओवर दिल्ली कहीं से भी आप जिंग बस बुक करते हैं अपना दिल्ली टू मनाली का टिकट, तो आपको जो पॉइंट है वो आपको आर के आश्रम पहला, मोरी गेट, कश्मीरी गेट और मजनूगा टीला, तो ये 3 से 4 आपको पॉइंट मिलने वाले हैं बैठने के लिए अगर आप दिल्ली टू मनाली जाते हैं। फ्रेंड्स, जिंग बस का जो वॉल्वो का मॉडल है ये है B8R, अगर आप जाते हैं जिंग बस के थ्रू आपको ये बस मिल जाएगी 4 बजे B8R बस मिलेगी वॉल्वो। यहाँ पे जो है जिंग बस इसलिए कवर करने आया हूँ क्योंकि इनकी जो बस सर्विस है वो 11 से 12 बसेस डेली निकलती है मनाली के लिए, शायद किसी और टूर एंड ट्रैवल की इतनी बसेस नहीं जाती है। सीजन में जो है 15-15, 16-16 बसेस जाती हैं डेली, मंडे टू संडे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे 4-5 बसेस सबकी अलग अलग टाइमिंग से डेली टू मनाली की। और अगर आप वर्किंग है डेली टू मनाली जाना चाहते हैं, आपको अगर 4-5, 6 वाली टाइमिंग सूट नहीं कर रही, तो आप लास्ट बस वाली जो टाइमिंग है 10:30 वाली, 9:30 वाली टाइमिंग से भी मनाली जा सकते हैं। जिंग बस की सेकंड बस आ चुकी है, सेम ये भी B8R है वॉल्वो का, और इसकी टाइमिंग है 5:00 यहाँ से दिल्ली आर के आश्रम से। और ये बस है, कर्टेंस पूरे लगे हुए यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन इसकी पूरी है, सीट्स है, थाई रेस्ट मिला हुआ है यहाँ पे, लेग स्पेस है इस साइड पे। अगेन यहाँ पे 2-2 सॉकेट मिलेंगे आपको, सेम सारी सीट पे 2-2 सॉकेट्स मिलेंगे। हेलो, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हम बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या आपका? शुभम जैन। शुभम जैन, ओके। तो अभी आप दिल्ली टू मनाली फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? नहीं, सेकंड टाइम जा रहे हैं। सेकंड टाइम, ओके। तो आप अभी जिंग बस से बुक करा, ऑफलाइन टिकट था आपका? ऑनलाइन? ऑनलाइन था। ऑनलाइन, तो आपको अभी इसका कॉस्ट कितना पड़ा? अप्रोक्स 1000 के आसपास। 1000 के आसपास, ओके ओके। फर्स्ट टाइम के लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है आपको, ओके। मतलब काफी अच्छी फैसिलिटीज वगैरह। और आपका लाउंज वगैरह कैसा, सेफ्टी वगैरह सब अच्छा लगा आपको यहां पे? वो अच्छा था, लाउंज वगैरह, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जर्नी होगी वहां पे आप इनका QR कोड जो ये वाला स्कैन कर सकते हैं और जिंग बस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या 20% डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट जर्नी पे। और ये जो डिस्काउंट मिलेगा आपको फर्स्ट टाइम यूजर के लिए है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं जिंग बस का पोर्टल और जिंग बस से फर्स्ट टाइम बुकिंग कर रहे हैं इनकी एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट ट्रिप पे आपको, तो ये भी आप ध्यान रखना, कुछ आपका बहुत अच्छा बेनिफिट है 20% डिस्काउंट नेक्स्ट ट्रिप पे। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। नाम क्या आपका? मेरा नाम संजीव है सर। संजीव, ओके। अच्छा, अभी मैं व्यूअर्स के लिए कवर कर रहा हूँ दिल्ली टू मनाली, ये थर्ड बस सर्विस है यहाँ से जो आरके आश्रम से जिंग बस की, और इसका टाइमिंग क्या है? इसका 6:00 है सर। 6:00, ओके। और ये मनाली कितने बजे पहुँचा देती है? मॉर्निंग 8:00 पहुँचा देती है सर। 8:00 मॉर्निंग में पहुँचाती है, मतलब कहने का मतलब 14 घंटे लेती है, मिनिमम 14 घंटे 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, ओके। अच्छा, इसका पहला हॉल्ट कितने बजे का है? इसका सर 9:30 का सर, 9:30 और 10:00 के बीच में सर। अच्छा, 9:30-10:00 का पहला हॉल्ट है, कहाँ पे होता है? करनाल में सर। करनाल में, ओके। और इसका और कोई हॉल्ट? उसके बाद सवेरे 10 मिनट के लिए टी ब्रेक होता है सर, जैसे फ्रेश होना है या टी पीनी है, चाय पीनी है, उसके लिए होता है। वो कहाँ पे होता है? ये मंडी क्रॉस करके सर। मंडी क्रॉस करके होता है, यानी कि, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। यहाँ पे कुछ आपको इस टाइप के कवर मिलेंगे पूरे बस सीट के ऊपर, नीट एंड क्लीन है फ्रेंड्स, ये भी कवर पूरे व्हाइट कलर के, और सेम इसके अंदर भी ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे और थाई रेस्ट मिलेगा यहाँ पे, थाई रेस्ट, और एक लेग स्पेस पूरा आपका है, और बॉटल के लिए यहाँ पे एक आपको गार्ड मिला हुआ है, बॉटल स्टैंड, और इसमें भी आपको यूसीबी
केबल के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको, और पुश करने के लिए आपको पुश बैक यहाँ पे आराम से पुश हो जाती है पीछे। फ्रेंड्स आप सबके लिए मैं यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं सारी बसेस कवर कर रहा हूँ और लाउंज मैंने कवर करा, सारी और भी जितनी अभी बसेस आने वाली हैं 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock जितनी भी होंगी वो सारी बसेस मैं कवर करने वाला हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर सकते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छे कंटेंट इसी तरीके के बनाने वाला हूँ जो आपको बहुत, जिनसे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वॉल्वो की B8 आ रहे हैं, आइए अंदर से एक्सप्लोर कराते हैं सीट्स वगैरह क्या कुछ। अगर आप 6 o'clock जाते हैं, यहाँ पे सारे ट्रैवलर्स जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, अंदर चलते हैं अब आपको एक्सप्लोर कराते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। नाम क्या आपका? रवि कुमार। रवि कुमार, अच्छा भी ये B8R जो बस है मनाली कितने बजे उतारती है? मनाली सर सुबह 7:30। साढ़े सात? 7:30 बजे। अच्छा इसका हॉल्ट वगैरह क्या है? पहले रुकती है सर यहाँ से चल के स्वागतम होटल पे। कहाँ पे? स्वागतम। स्वागतम पे कहाँ पे एरिया? हाँ जी एरिया में कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में। और सेकंड? सेकंड है अपना ब्यास व्यू। ब्यास व्यू, अच्छा वहाँ पे कितने बजे रुकती है? वहाँ पे 5:30 बजे। ठीक है ओके सर, थैंक यू। ये आपको बस पूरी नीट एंड क्लीन है, सीट भी इसकी क्लीन है। सेम यहाँ पे भी आपको थाईरेस मिलेगा, लेग का स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे भी, और ये कुछ आपको सामान रखने के लिए यहाँ पे सारी सीट्स में USB पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ये पोर्ट है USB, यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हैं। ये जा रही है पाजी, ओके कितने बजे बजाएगी? 7:30 बजे मनाली बजाएगी। ओके बाय। लाउंज में आएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बुक्स मिलेंगी, अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो ये 199 रुपीज़ की है, आप कोई भी बुक यहाँ से ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे इस टाइप के यहाँ पे और रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र वगैरह। यहाँ पे आप देखो मूव रखी हुई, अगर आपको ट्रैवलिंग के जर्नी में ड्यूरिंग आपको कुछ भी पेन वगैरह होता है डिटॉल का कुछ एक ये स्प्रे है। बाकी यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, वाइप्स मिल जाएंगे और सोनी के कुछ यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, बेस बूम बॉक्स भी कुछ यहाँ पे आपको, ब्लैंकेट यहाँ पे पेड है, ब्लैंकेट आपको 149 रुपीज़ देने पड़ेंगे तो आपको ये ब्लैंकेट पेड मिल जाएगा। कुछ यहाँ पे गिफ्ट आइटम भी है, अगर आप मार्केट जा नहीं पाते, अगर आप जल्दी जल्दी में कुछ सामान नहीं ले पाते हैं रास्ते से, तो यहाँ पे भी आके लाउंज में आपको गिफ्ट आइटम मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे आपको मेडिकल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे रखे हैं इन्होंने, और कुछ नेस्कैफे के कुछ रखे हैं, कॉफ़ी मग ये भी आप ले सकते हैं। आइसक्रीम भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ आपको आइसक्रीम भी मिल जाएगी यहाँ पे। ये क्वालिटी वॉल्स की अलग अलग फ्लेवर्स हैं आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स अगर आप फेस्टिवल में जाते हैं, होली फेस्टिवल मनाने के लिए, अगर आप गुलाल लेना भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ये ऑर्गेनिक गिफ्ट पैक इनका 199 में आपको मिल जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी में मार्केट से लेना भूल गए तो यहाँ से भी आप ये परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पे नेकरेस्ट, ये 499 का है। यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाएंगे, एक ये कलर है, ये है, एक पिंक है और एक ये भी लगा हुआ है। यहाँ पे आपको जो बस में मिलेगा जिंक बस की पानी की बॉटल, जो है जिंक बस की मिलेगी, इनका खुद का यहाँ पे ब्रांड है ये वाला रिजर्वॉय करके, और इसमें क्या आपको पूरी ब्रांडिंग मिलेगी जिंक बस की। हेलो कैसे हैं आप? बढ़िया। नाम क्या भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी आशीष। आशीष नाम है, ओके। तो यहाँ पे अपने जो टूरिस्ट आएंगे, जो ट्रैवलर्स आते हैं, उनके लिए लाउंज में देखा यहाँ पे आपकी कैंटीन भी है छोटी सी, तो यहाँ पे क्या कुछ मिलने वाला है उनको बताएंगे? मैगी मिलेगा, आलू पैटी मिलेगा, पनीर पैटी है, ग्रिल सैंडविच है, कॉर्न ग्रिल सैंडविच है, आपको आइसक्रीम्स वगैरह मिलेंगे, बाकी पैक्ड आइटम आप देख ही रहे हैं अवेलेबल है। बिल्कुल चाय कॉफी मिलेगा आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैंटीन है आपको जो अवेलेबल मिलेगी यहाँ पे ओपन होती है 12 बजे, और रात में लास्ट टाइमिंग आपने बताया भैया 11 ठीक 11:30 12 बजे तक लास्ट टाइमिंग रहने वाला है। अगर आप आते हैं ये चीज़ आपके वो अवेलेबल है जो आपको जर्नी में चाहिए होती है, पानी की बॉटल्स हैं, केक हैं, कुछ आपको ये जैक्सन के पीनट मिलेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक है, पीछे आपको ये पैक मिलेगा मैगी लेज और कुछ इस टाइप का आपको। फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहना, यहाँ पे सारी बसेस मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप दिल्ली से मनाली जा रहे हैं मैं रात तक लास्ट वाली बस भी कवर करूंगा। फ्रेंड्स दिल्ली टू मनाली की 5वीं बस आ चुकी है, मेरे पीछे लगी अभी दिल्ली टू मनाली की, और 7:30 बजे निकलने वाली है दिल्ली से। हेलो सर,
हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह, ओके। तो ये दिल्ली टू मनाली है कितने बजे की यहाँ से? ये 7:30। 7:30, और मनाली कितने बजे पहुँचाती है? ये एग्जैक्ट 9 बजे से 5 मिनट पहले। ओके, अच्छा, इसका पहला हॉल्ट कितने बजे का है, कहाँ पर है? पहला हॉल्ट कुरुक्षेत्र में मयूर रेस्टोरेंट। ओके, 11 बजे। और सेकंड हॉल्ट? सेकंड हॉल्ट सुबह 5:30, 6 बजे। कहाँ पे ये होगा? 8 मील मंडी। मंडी, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। वो अगेन यहाँ पे पोर्ट मिलेगा, चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो है दोनों साइड चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। पुश बैक सीट्स हैं, नीट एंड क्लीन है। थाई रेस्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे लेग स्पेस भी काफी ज्यादा है, और यहाँ पे इसके कवर लगे हुए हैं सीट्स के। सर, दिल्ली टू मनाली की ये आपके 6 बस है, अगर आप जाना चाहते हो तो इससे जा सकते हैं। 6 बस से लियो करके ये टाइप है इनसे, जिंग बस से। सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पे थाई रेस्ट है, और यहाँ पे पोर्ट मिल जाएगा आपको। 6 बस है फ्रेंड्स, जिंग बस की। फ्रेंड्स, जो मिरर है पूरी नीट एंड क्लीन है, सीट्स भी पूरी नीट एंड क्लीन है। अगर आप इससे जाना चाहते हैं 7 o'clock वाली टाइमिंग से दिल्ली टू मनाली, तो आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली टू मनाली की 7 बस आ चुकी है, 7वीं बस आपको मैं एक्सप्लोर कराऊंगा यहाँ पे, जिंग बस की। आइए फ्रेंड्स, आपको मैं बस एक्सप्लोर कराता हूँ। हेलो सर। यो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। नाम क्या सर आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार, अच्छा, ये दिल्ली टू मनाली का पहला हॉल्ट कितने बजे का इसका? 11 बजे। 11 बजे का कहाँ पर है? मेयर डिनर पॉइंट। डिनर पॉइंट, मेयर डिनर पॉइंट, ओके। और सेकंड? सेकंड मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कितने बजे? 6 o'clock। और ये कितने बजे पहुंचाती है यहाँ से? कितने बजे का टाइमिंग है इसका चलने का? इसका 8 बजे का। और कितने बजे पहुंचाती है मनाली? 9:30 करीब। ओके सर, थैंक यू। अगेन फ्रेंड्स, आपको कवर मिलेंगे यहाँ पे, आपको थाई रेस्ट सीट मिलेगी यहाँ पे, लेग स्पेस के लिए है एरिया, और ये जो आपको बॉटल के लिए मिलेगा, अगेन वहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट है, और यहाँ पे USB केबल भी आपको लगा सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इस साइड पे लगा हुआ है, ये पॉइंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबके लिए कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा, और अगर आप इवनिंग में या रात में यहाँ से दिल्ली से निकलते हैं और मॉर्निंग में मनाली पहुँचते हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो वहाँ पे भी जिंग बस का लाउंज है, आप लाउंज में वेट कर सकते हैं। अगर आपके होटल की चेक इन की जो टाइमिंग है वो 11-12 बजे कितने बजे इतने बजे है, तो आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल मिल रही है जिंग बस में, लाइक आपको यहाँ पे भी लाउंज की फैसिलिटी अवेलेबल है और मनाली में भी, तो वहाँ पे भी आप 1-2 घंटा वेट करके अपने होटल फिर मूव कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? फाइन, हाउ यू? मैं फाइन बिल्कुल। और आपका नाम क्या है? अरुण। अरुण, अच्छा सर, मैं अपने व्यूवर्स के लिए कवर कर रहा हूँ दिल्ली टू मनाली की, आप जिंग बस की जो लाउंज की और सर्विस वगैरह जो बस जिंग बस की है। तो वी हैव अ कैफे इन आवर लाउंज, ओके, तो आप वहाँ पे मैगी चाय सैंडविचेस वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, खा सकते हैं। ओके, देन आपके नेक पिलोज वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह आप यहीं से परचेज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जो यहाँ पे ब्लैंकेट है, जैसे हमें बस के ट्रैवल ड्यूरिंग इसमें कुछ आप प्रोवाइड भी करते हैं ब्लैंकेट वगैरह कुछ? नहीं नहीं, हम बस इसमें ब्लैंकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ वाटर बॉटल वगैरह? वाटर बॉटल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अपनी दिल्ली टू मनाली का जैसे अभी क्या प्राइस चल रहा है दिल्ली टू मनाली का अपने जिंग बस का? अभी तो पीक सीजन है, तो इट मे बी अराउंड 1000-1500 जाएगा इन फ्यूचर। ओके, अच्छा, 1000 रुपए से 1500 के बीच में जाने वाला है। और यू हैव अ बुकिंग इन मनाली एट 12 o'clock, तो आप हमारा लाउंज अर्ली आपकी बसें पहुंच जाती है 6-7 o'clock पे। ओके, तो आप लाउंज यूज कर सकते हैं 3-4 घंटे के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके, अदर देन दैट वी हैव क्लॉक रूम फैसिलिटीज एज वेल इन दिल्ली एंड मनाली आल्सो। अच्छा, मनाली और दिल्ली दोनों में आपकी क्लॉक रूम फैसिलिटी अवेलेबल है? जी, लगेज की? लगेज की, यू कैन कीप योर लगेज एंड गो, एंड दैट इज फॉर 6 hours वी चार्ज ₹30 पर बैग। 30 rupees पर बैग फॉर 6 hours? 6 hours, ओके ओके। तो दिल्ली में यहाँ पे कोई भी जैसे कोई ट्रैवलर आता है यहाँ पे अपना लगेज यहाँ पे सबमिट कराता है और मतलब दिल्ली घूमना चाहता है तो जा सकता है? जा सकते हैं। ठीक है, 6 hours के लिए 30 rupees देने पड़ेंगे उनको। पर डे कितनी बस सर्विस अवेलेबल है अभी? करंटली वी आर रनिंग अराउंड 12 buses। 12 buses, ओके। तो यहाँ से दिल्ली से मनाली क्या टाइमिंग क्या, स्टार्टिंग कितने बजे आती है? 4 o'clock स्टार्ट होती है एंड लास्ट बस इज अराउंड 10:30। अच्छा, 4 बजे स्टार्ट होती है और 10:30 लास्ट बस है दिल्ली टू मनाली। मैं जिंग बस का सारा जो एड्रेस है, जो इसका लिंक वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।
फ्रेंड्स ये मेरे पीछे 8 बस है, 8वीं बस आ चुकी है दिल्ली टू मनाली की, आइए एक्सप्लोर करते हैं एक बारी। हेलो भाई। हेलो, किद्दा? ठीक है जी, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। भाई मैं भी कवर कर रहा हूँ दिल्ली टू मनाली बस सर्विस, तो अपनी जो टाइमिंग है यहाँ से दिल्ली टू मनाली की जिंग बस की, कितने बजे यहाँ से? सर आर के आज 8:30 चलती है, करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम है, करेक्ट टाइम जिंग बस का यही एक खासियत है, पूरे टाइम से गाड़ी निकलती है, टाइम से पहुँचती है। अच्छा, कितने बजे पहुँचाती है मनाली? 8:30 से जाती है, 9:30 करेक्ट टाइम मनाली में हम लोग उतार देते हैं। ठीक है ना जी। ओके, और इसका होल्डिंग पॉइंट क्या है, मतलब कहाँ पे रुकती है? होल्डिंग खाने के लिए रुकेगी। ओके, कहाँ पे रुकती है? इस माल के में 70 मील में। समाल के कितने के वो टाइमिंग क्या होती है उसका? सर 10:30 अगर जाम ना लगे। ओके, जैसे 9:30 से निकलती है से, ठीक है, से कोई जाम जूम लग जाता है तो बात बखरी है, आपको पता ही है। और सुबह का जो हॉल्ट है वो कहाँ पे है? वो ब्यास व्यू मंडी पार करके 7 मील। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। फ्रेंड सीट्स आपको मिलेगी यहाँ पे, अगेन यहाँ पे थाई रेस्ट है और लेग स्पेस है, वाटर बॉटल होल्डर है और ये कुछ मैगजीन यहाँ पे स्टैंड वगैरह कुछ है। यहाँ पे जो है नीचे भी आपको पावर प्लग मिलेगा, बट यहाँ सिंगल है, बाकी बसेस में जो तो डबल था, और दिखाता हूँ यहाँ पे सब में आपको सिंगल मिलने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अगर आप कोई भी और कंटेंट कवर कराना चाहते हैं, कोई और टूर एंड ट्रैवल कंपनी मेरे को कवर करने के लिए आपको लगता है कि वो कवर करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि वो टूर एंड ट्रैवल दिल्ली टू मनाली की कवर करो। फ्रेंड्स आपको एक टैग दिया जाएगा आपके लगेज का, अगर आप लगेज यहाँ पे नीचे रखवाते हैं तो इसमें आपको टैग करेंगे टैगिंग, और इसका एक आपको प्रूफ मिलेगा, सब प्रूफ दिखाने के बाद वो जो आपका डिस्काउंट भी मिलता है, डिस्काउंट भी है, 20% डिस्काउंट है नेक्स्ट ट्रिप पे आपके वन टाइम यूजर के लिए। फ्रेंड्स आपको बिना चेकिंग के बैग अंदर नहीं रखने देंगे, ये लोग अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे, जो सारे बैग्स हैं यहाँ पे आपको पहले टैग करेंगे, उसके बाद वो टैग का एक पूरा आपको प्रूफ देंगे, ताकि आप जब वहाँ पे उतरेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक बैग मिलेगा आपका। फ्रेंड्स अभी 9th बस आ चुकी है, 9वीं बस दिल्ली टू मनाली की, आइए आपको एक्सप्लोर कराते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। नाम क्या सर आपका? रुपेश ठाकुर। रुपेश ठाकुर। अच्छा सर, मैं दिल्ली टू मनाली बस कवर कर रहा हूँ, अपना जो ये कितना टाइम कितने बजे निकलती है यहाँ से आर के आश्रम से? आर के आश्रम से 10 बजे निकलेंगे। 10 बजे और मनाली कितने बजे पहुँचाएंगे सुबह? मनाली में 12:30 बजे सुबह, दोपहर में 12:30 बजे। ठीक है, तो कितना हॉल्ट कितने बजे होने वाला है? यहाँ से जब चलेंगे सर, पहला हॉल्ट मुरथल में होगा डिनर के लिए। ओके मुरथल, और दूसरा मंडी पार करके ब्यास व्यू होटल में, ब्यास व्यू होटल हाँ, दूसरा स्टॉप, और तीसरा सीधा डायरेक्ट मनाली। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये पोर्ट दिया हुआ है यूएसबी का, और यहाँ पे नीचे जो है वो वाला जो प्लग पॉइंट हो तो वो नहीं है इसमें जिंग बस में, ये आपको लेदर के सीट्स मिलेंगे पूरे व्हाइट कलर के, नीट एंड क्लीन। और आइए पीछे लेके चलते हैं आपको। अब आ चुकी है 10वीं बस, 10th बस मैं कवर करने वाला हूँ दिल्ली टू मनाली की, ये नॉर्दर्न की आ चुकी है, डबल एक्सेल है, कवर करूंगा इसमें क्या कुछ खास होने वाला है डबल एक्सेल बस में। फ्रेंड्स मेरे पीछे देख सकते हैं आप, डबल एक्सेल है ये। हेलो सर। हाय सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, नाम क्या आपका? परविंदर सिंह। परविंदर सिंह, अच्छा भी दिल्ली टू मनाली ये कितने बजे निकलेगी यहाँ से आर के आश्रम से जिंग बस? ये यहाँ से निकलेगी 9:30 बजे। 9:30 बजे, और मनाली कितने बजे पहुँचेगी? मनाली पहुँचेगी सुबह 11:15। 11:15 बजे। अच्छा, यहाँ इसका हॉल्ट कितने होते हैं यहाँ पे दिल्ली टू मनाली? यहाँ से जाके रुकेगी ये कुरुक्षेत्र में। कितने बजे? आधे घंटे के लिए रुकेगी, 1 बजे के पास, 1 बजे के आसपास। और सुबह? सुबह रुकेगी 8 बजे। 8 बजे कहाँ पे रुकेगी वो? वो रुकेगी पंडो में। पंडो, हाँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ये स्कैनिया है जिंग बस की 9:30 बजे वाली, सेम यहाँ पे आपको एक ब्लैंकेट मिलेगा और वाटर बॉटल है, और यूएसबी पोर्ट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो जिंग बस में मेरे को देखने को मिला यहाँ पे आपको सिंगल पोर्ट मिलेगा यहाँ पे प्लग पॉइंट चार्जिंग के लिए, यहाँ पे जो है यूएसबी पोर्ट नहीं लगा हुआ है स्कैनिया में, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, डबल एक्सल है बस ये। आपको ब्लैंकेट मिलेंगे, वाटर बॉटल सब में फिक्स लगी हुई है यहाँ पे, और नीट एंड क्लीन है। फ्रेंड जिंग बस में आपका बेनिफिट क्या, अगर आपकी रात में बस है दिल्ली टू मनाली की तो आपको लाउंज मिल जाएगा यहाँ पे, आपको बस स्टैंड पे वेट करने की जरूरत नहीं है, आप जिंग बस ऑफिस में बैठ सकते हैं रात में, 10:30 बजे तक लास्ट बस है इनकी,
तो आप 7, 8, 9, 10, 10:30 बजे तक यहाँ पे लाउंज में बैठ सकते हैं। आप एज ए कपल आ रहे हैं, एज ए फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो आपको रोड पे या स्टैंड पे खड़ा नहीं होना है। ये बेनिफिट आपको मिल सकता है जिंग बस के थ्रू अगर आप जाते हैं दिल्ली टू मनाली। फ्रेंड्स, ये 11 बस है दिल्ली टू मनाली की, ये 9 बजे निकलने वाली है, वो 9:30 बजे की थी। ये आपकी जिंग बस है, ये अभी निकलने वाली 9 बजे। ये 11वीं बस है दिल्ली टू मनाली जिंग बस की सर्विस जो है। ये हिमालयन नोमाड है B8R। आइए अंदर से एक बार एक्सप्लोर कराते हैं जो 11 बस है दिल्ली टू मनाली जिंग बस। सीट आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, लेदर सीट्स यहाँ पे हैं और USB पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे प्लग पॉइंट है कि नहीं है। प्लग पॉइंट फ्रेंड्स इस वाली बस में नहीं है। आपको सीट्स इसमें मिलेंगी लेदर, इसमें भी आपको थाई रेस्ट मिल जाएगा, लेग यहाँ पे स्पेस है आपका, वाटर बॉटल के लिए यहाँ पे होल्डर है, ये भी है। और ये 9 बजे वाली है फ्रेंड्स। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। ये दिल्ली टू मनाली 11वीं बस है, तो इसका टाइमिंग क्या है आरके आश्रम से? टाइमिंग यहाँ से आरके आश्रम से 9 बजे इसकी टाइमिंग है। 9 बजे और मनाली पहुँचने का? मनाली 11:25 पर पहुँचे। 11:25 का पहला हॉल्ट कितने बजे और कहाँ पर है? पहला हॉल्ट इसका रुकने का अभी मुरथल में रुकेगी। मुरथल में कितने बजे? डिनर के लिए 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए 8:30 बजे रुकेगी ब्यास व्यू मंडी में। 8:30 बजे ब्यास व्यू मंडी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, ये पीछे स्कैनिया खड़ी हुई है, ये 9:30 के आसपास निकलेगी। और ये जो है नोमैड वाली, ये निकलेगी अभी 9 बजे, जस्ट थोड़ी देर में निकलने वाली है। अभी सारे जो ट्रैवलर्स हैं, यात्री बैठे हैं इसमें हिमालयन नोमैड में। फ्रेंड्स, ये सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो रही है यहाँ से। रात वाली बस जो है स्कैनिया जिंग बस की दिल्ली टू मनाली, ये यहाँ से 10 बजे निकलेगी। हेलो ब्रदर। फ्रेंड, इस टाइम जो है मैंने ऑलमोस्ट 11 बसेस कवर कर ली है जिंग बस की दिल्ली टू मनाली के लिए। अलग अलग टाइमिंग जो है 4 बजे से लेके भी 10 बज चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए बसेस कवर कर रहा हूँ दिल्ली टू मनाली की। फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर करना वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लास्ट बस आ चुकी है दिल्ली टू मनाली की बाय जिंग बस, और मेरे पीछे भी खड़ी है ये, आप देख सकते हैं। और अंदर लेके चलूंगा, आपको कवर कराऊंगा। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया है। नाम क्या आपका? गगनदीप सिंह। गगनदीप सिंह, अच्छा, पहला हॉल्ट कहाँ पर है इसका जगह जहाँ पे? करनाल में। और सेकंड पंडो। ओके सर, थैंक यू। ओके, आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बस एक्सप्लोर कराता हूँ एक बार। ये लास्ट बस है, सीट्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है फ्रेंड्स इसके। तो इसमें भी आपको थाई रेस्ट मिलेगा, लेग स्पेस है, पावर यहाँ पे प्लग पॉइंट है, यहाँ पे जो आपका वो USB पोर्टल नहीं है, यहाँ पे USB पोर्ट आपको पॉइंट दिए हुए प्लग पॉइंट है यहाँ पे चार्जिंग के लिए। और सीट्स काफ़ी अच्छी है इसकी, ब्राउन कलर की लेदर की हैं सीट्स जो हैं, कार्टेंस लगे हुए हैं पूरे और नीट एंड क्लीन है। मिरर सबके जो है, विंडो जो है पूरी नीट एंड क्लीन है सबकी। फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट सारी बसेस कवर कर ली हैं, 12 बसेस जो यहाँ पे अवेलेबल है जिंग बस की आर के आश्रम से बोर्डिंग पॉइंट से। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया दिल्ली टू मनाली बस सर्विस, जिंग बस सर्विस का, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन बटन दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।